दोस्तों आप लोग भी देखिए मुझे क्या मिला हुआ है। दोस्तों ये जो है ये फ्लिपकार्ट की तरफ से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मैंने सोचा दोस्तों जब मुझे क्रेडिट कार्ड मिला तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी कुछ ज़रूरत हो इसका तो फ़ायदा उठा सको। देखिए दोस्तों मैं आपको इसके बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा, मुझे कैसे मिला, क्या सैलरी स्लिप देनी पड़ी नहीं देनी पड़ी, कैसे बातचीत हुई थी हमारी, कैसे अप्लाई हुआ था और कब मिला था, क्या इसमें आपका लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, हम यूज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दे दूंगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, तो मैं आपके इसमें पूरी जानकारी दे दूंगा आपको कैसे करना है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ऐसे ही लेटेस्ट टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये देखा जाए ये बहुत काम की चीज़ है। अभी देखेंगे आप जैसे इस समय भारत में लॉकडाउन हुआ पड़ा है, मुझे ये कार्ड अब मार्च में मिल गया था। जब मुझे ये कार्ड मार्च में मिला था तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से शेयर करूं, फिर मुझे लगा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा तो मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैंने लोगों से पैसा मांगा, यहाँ तक अब मेरी सैलरी तक नहीं मिल पाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस कार्ड से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मतलब मैं किसी सामने हाथ जोड़ूँ भाई मुझे पैसे दे दे। वो सबसे अच्छा ये था मैं इस कार्ड का यूज करके अपने जो भी सामान चाहिए था, राशन लेना हुआ कहीं किसी के लिए कुछ भी चाहिए था तो मैं इससे सारा काम कर लिया था, यहाँ तक कि दूध तक लाना, पानी तक लाना, राशन तक लाना, हर एक काम इस क्रेडिट कार्ड से किया था। मैं आपको बता दूँगा मैंने कैसे किया था, किस तरीके से किया था, पूरी जानकारी आपको दूंगा। उसको जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बार कार्ड को खोल देता हूँ, लास्ट तक आप वीडियो देखना, वीडियो में पूरे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। पहले मैं आपको इस कार्ड को ही खोल दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ मैंने कैसे अप्लाई किया था और आप कैसे पा सकते हैं। आप पास सैलरी स्लिप नहीं है फिर भी, और अगर आप जॉब करते हो तो भी, और नहीं करते हैं तो भी, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा रहेगा, कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं इसको खोलने से पहले आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ मुझे ये कैसे मिला था। सबसे पहले क्या था, मैं फ्लिपकार्ट रेगुलर यूज करता हूँ। फ्लिपकार्ट से मतलब मैं अपने लिए सामान मंगाता हूँ, मेरे जो दोस्त यार हैं जो मेरे साथ में जॉब करते हैं उन सब के लिए मैं सामान मंगाता रहता हूँ अपनी ही आईडी से, चाहे उनको मोबाइल चाहिए होता है या कुछ भी चाहिए होता है तो मैं उनको सामान मंगा के देता रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि फ्लिपकार्ट की तरफ से अब मुझे काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, मेल करना बातचीत करना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मैंने फ्लिपकार्ट को ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा वहाँ पर ये ऑप्शन आया फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई। तो मैंने कहा इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी जब पहले हमारे पास कॉल आता था कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो अगर हम आप हाँ बोलते हैं हाँ भाई मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो सबसे पहले कहते थे आप कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, आपने बोला नहीं मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर बोलते सैलरी स्लिप आपके अकाउंट में आती है, सैलरी स्लिप है आपके पास, आपने बोला नहीं है, बस इतने आपका फ़ोन कट जाता था। सबसे पहला क्वेश्चन यही है क्रेडिट कार्ड है आपके पास किसी भी बैंक का इस समय, आप बोलते नहीं तो समझ लो कि आप फ़ोन कट जाना होता, चाहे कितना भी आप कमाते हो कैसे भी करते हो। दिक्कत सब मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा थी ये, मैं भी चाहता था क्रेडिट कार्ड बन जाए लेकिन बनना बहुत मुश्किल था। जब मैंने फ्लिपकार्ट वो चीज़ स्क्रॉल करते हुए देखा तो फिर मैंने वहाँ देखा कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा था, मैंने वहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके मैंने देखा तो वहाँ पर मैंने अपनी पूरी डिटेल भरी, डिटेल में मैंने अपना करंट एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो मेरी एनुअल इनकम थी मैंने वो सैलरी डाल दिया। और उसके बाद मैंने वहाँ पे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपके पास सैलरी स्लिप है, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसमें हाँ लिखा, हाँ लिखने के बाद हाँ सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करना मुझे तो ऐसे लगा कि ये तो होना ही नहीं है, होगा भी नहीं क्योंकि ना मेरे पास सैलरी स्लिप है ना मेरे अकाउंट में सैलरी आती है, मैं क्या दिखाऊँगा। फिर क्या होता है एक हफ्ता करीब करीब बीत गया, एक हफ्ते बाद ना एक बंदे का फ़ोन आता है कि सर हम फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से बोल रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। मैंने कहा सर वेरिफिकेशन क्या करना है आपको, उनने बोला कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी एक फ़ोटो और आपका बैंक का स्टेटमेंट और आपकी जो सैलरी स्लिप है वो हमें चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर आप आ जाओ, मैंने उनको बुला लिया। तो बुलाया जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा पहले ओरिजिनल आधार कार्ड की फ़ोटो एक ली अपलोड किया टैबलेट पे और एक पैन कार्ड की फ़ोटो ली अपलोड किया, उसके बाद मेरी एक फ़ोटो खींचा, फ़ोटो खींचने के बाद मेरे से पूछा कि सैलरी स्लिप है, मैंने कहा सर मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं अपनी तरफ से अप्लाई कर देता हूँ, हो जाना चाहिए उसे, हो जाएगा आपका। होने की वजह क्या थी जो कि उन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा था,
मैं आपको अपने स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा क्रेडिट स्कोर मेरा कितना अच्छा था। अच्छा क्यों था आपको वही बताता चलता हूँ। जब मैं फ्लिपकार्ट यूज़ करता था रेगुलर, मैं लोगों के लिए सामान जब मंगाता था, मेरे पास बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड था, तो इस EMI कार्ड की वजह से मैं लोगों के लिए सामान मंगा के देता रहता था। जब सामान मैं मंगा के देता था उनको, तो सब चीज़ मैं EMI पे करता था और रेगुलर EMI टाइम से भरता जाता था। जब EMI टाइम से भरता था, तो मैंने अपना क्रेडिट स्कोर जब मैंने खुद से चेक किया, तो मैंने देखा कि मेरा क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है। शायद उन लोगों ने भी यही मेरे को कन्फर्म नहीं बता पाए थे, लेकिन मुझे यही लगा कि उन्होंने मेरा क्रेडिट स्कोर जब चेक किया होगा सही रहा होगा, इसलिए वो अप्लाई हो गया था। अप्लाई होने के बाद करीब 10 दिन के बाद मेरे पास एक कार्ड आ गया था। कार्ड आया, कार्ड आने के बाद मैंने खोल के देखा, हाँ इसमें कार्ड था। मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, इसलिए नहीं मिल पा रहा था। जब मैंने खोला, मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ इसमें मेरे क्या मिला था। जब मैंने इसको खोला, पहले ऐसे कवर था, एक कवर को मैं ऐसे साइड में रखता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे एक तरफ फॉर्म था, जैसे ये फॉर्म है आप देखें, एक फॉर्म था ऐसे। फॉर्म में आप देखें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, क्रेडिट कार्ड को मैंने इसे निकाल लिया। यहाँ पे मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी हुई है, ठीक है, मतलब इसमें लिमिट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर दिया हुआ है। नंबर देने के बाद यहाँ मेरी देखिए कि आप मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रुपये दी हुई है। 30,000 रुपये इसलिए दी गई थी, जब मेरी सैलरी पूछा गया था मैंने वहाँ पर 30,000 रुपये ही मेंशन किया था कि मेरी सैलरी 30,000 रुपये है। यहाँ पर बाकी इसमें जो ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपये वो दिखाया गया है, यही डिटेल है इसमें। इसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड को जब लिया लेने में, मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि अच्छा हुआ क्रेडिट कार्ड आ गया, मैं ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर लूँगा। और इसमें मेरे ऑफ़र भी काफ़ी सारे चल रहे थे, मैंने फ्लिपकार्ट भी जाके देखा, वैसे भी देखा। देखिए अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ है अनलिमिटेड कैशबैक है, जो कि फ़्लिपकार्ट पे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो देखेंगे आप, यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से 5% का कैशबैक है, 4% का है, 1.5% का है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो कैशबैक दिया हुआ था, कैशबैक काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, तो मुझे इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला कि मैं फ्लिपकार्ट से वैसे ही परचेस करता हूँ, तो बजाज फाइनेंस EMI कार्ड की जगह मैं अगर मैं इससे परचेस करूँ मुझे कैशबैक भी मिलता रहेगा। और इससे ज़्यादा बेटर ये है कि बजाज फाइनेंस कार्ड को सिर्फ मैं सामान लेने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, और वो भी हर जगह नहीं यूज़ करता, हर स्टोर पर नहीं यूज़ कर सकता हूँ। और इस कार्ड का मैं एनी टाइम एनी वेयर कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इस कार्ड को लिया, लेने के बाद मैं ATM में गया, ATM में जाने के बाद वहाँ लगाया, लगाने के बाद इसमें मैंने पिन जनरेट कर लिया। पिन जनरेट करने के बाद फिर मैंने अपना एक, देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, मैंने मोबाइल पे अपना एक एक्सिस बैंक का एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने वहाँ पे सारी डिटेल्स भी चेक कर लिया। चेक करने के बाद फिर मैं इसका रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दिया। इसका मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया था, आप सोचिए मेरे को दूध लेने जाना था, मेरे को पेटीएम करना होता था, मैं क्या करता था इस कार्ड को पेटीएम वॉलेट में जाकर ऐड कर लेता था। ऐड करने के बाद वहाँ से मैं यूज कर लेता था, और ऐसे ऐसे करके मैंने ये सारा कुछ किया और मेरा क्रेडिट कार्ड बन गया था, जिसमें मुझे ना कोई सैलरी स्लिप देने की ज़रूरत पड़ी थी, ना कोई बैंक का कोई ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा था, या मेरे पास कोई पहले से भी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। उसके बाद से अभी मेरे 2 महीने और 2 महीने मेरे पास काफ़ी सारे कॉल आ चुके हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मुझे तुरंत क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा सिर्फ इस बिहाब पे कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से क्रेडिट कार्ड है। और इसमें मेरे को काफ़ी ऑप्शन मिले थे, जैसे कि मैंने जो 2,2500 रुपये से जो ज़्यादा ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन मैंने 1 टाइम में किए थे, उसको मैंने सबको EMI में कन्वर्ट कर लिया था। तो अभी क्या है कि अभी जो EMI मैंने कन्वर्ट किया, वो 2 महीने बाद से EMI भरनी है, तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैंने अभी जो यूज़ कर लिया अभी तुरंत मेरे को ये पैसे जमा करने, ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ से मेरे को काफ़ी सहूलियत हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसी से गया था बिजली बिल वगैरह भरना, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस चीज़ का। तो मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट ये करूँगा, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। आप जब क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, वहाँ पर भी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, सभी क्रेडिट कार्ड वहाँ पे दिखाई देंगे, सभी हर तरह क्रेडिट कार्ड दिखाई देंगे वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड का स्कोर चेक कर सकते हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि स्कोर पे कैसे चेक करेंगे, वहाँ पे जाकर अप्लाई कैसे करेंगे, कितना स्कोर होना चाहिए, उस पर मैं क्लियर आपको बता दूंगा। अब फिलहाल के लिए ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर आते हैं, आने के बाद आपकी डिटेल मांगते हैं, तो हो सकता है आपको पॉसिबल हो, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड मिलने से मेरा काफ़ी हेल्प हो गई कि मैं लोगों से ना पैसा मांगने के बजाय मैंने खुद से अपने क्रेडिट कार्ड से ही पूरा महीने का खर्चा चलाया है। अब मेरी जॉब चालू हो जाएगी, मैं अपना उनको सब पूरे पेमेंट की करते रहूँगा धीरे धीरे, और ये मेरे लाइफ टाइम यूज में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों अगर कमेंट आता है तो मैं और इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे जो भी जानकारी आती रहेगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।